नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की टीम को पारी और 14 रनों से हराते हुए श्रृंखला में 3-0 की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 68 रनों पर ही ढेर करते हुए इस मैच को 2.5 दिन के अंदर समाप्त कर दिया। मानना होगा कि इंग्लैंड के लिए इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में सबसे बुरा समय चल रहा है, क्योंकि ये टीम टेस्ट में इस साल 9 बार हार चुकी है। घर हो या चाहे बाहर, इंग्लैंड की टीम को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। बल्लेबाजी में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि रूट के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज रन बना ही नहीं पा रहा है। अब इंग्लैंड टीम की इतनी बुरी हालत देखते हुए भारत को साल 2011 में विश्व कप दिलाने वाले पूर्व मुख्य कोच गैरी गर्स्टन ने इंग्लैंड के लिए हमदर्द बनने का फैसला किया है। गैरी गर्स्टन ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम को कोचिंग देने में दिलचस्पी दिखाई है और ये दावा किया है कि इंग्लैंड टीम को और बेहतर करने के लिए उनके पास बहुत अच्छा प्लान है। गैरी गर्स्टन कितने प्रभावशाली कोच हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने भारतीय टीम का मुख्य कोच पद हासिल करने के ठीक एक साल बाद दिसंबर 2009 में पहली बार भारत को टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर पहुँचाया था। हालांकि इंग्लैंड के मुख्य कोच बनने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अब तक दो बार साल 2015 और साल 2019 में इस पद के लिए दौड़ में रहा हूं। उनकी टेस्ट टीम या वनडे टीम के साथ काम करना शानदार होगा। उनकी टीम अभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और मेरे पास ऐसी योजना है जो काफ़ी सोच विचार कर तैयार की गई है, जो इंग्लैंड को और बेहतर बना सकती है। अब ये तो वक्त बताएगा कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इस बारे में क्या फैसला करता है। इस वक्त इंग्लैंड टीम को किसी ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो उन्हें ऊपर उठा सके और टेस्ट क्रिकेट में खोया हुआ सम्मान वापस दिला सके। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।